guys, everyone, this is Vikram Singh. Welcome back to our channel. और आज हम जिस movie का trailer reaction देने जा रहे हैं वो है Project Ghazi. तो Project Ghazi का हमें कब से demand था, ये demand कुछ लोगों ने किया जिनका नाम मैं mention करना चाहूँगा, जैसे कि हफीज इमरान, बाबर चिश्ती, राजा उमर अली, thank you. फिर यासिर नवाज, मोजम अली, SMRC, मोहम्मद रफे, वाजिद अबरार. तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें रेकमेंड किया, तो काफ़ी लोगों का था कि आप प्लीज़ इसे रिएक्शन दीजिए. हमने बहुत पहले एक वार मूवी थी उसका ट्रेलर दिया था जिसमें शान थे, तो उसका रिएक्शन दिया था. उसके बाद तुरंत हमें ये कमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि आप इस पर रिएक्ट करो, लेकिन कुछ कारणों सर हम नहीं कर पाए. लेकिन अब जो हम आए हैं तो फटाफट पहले इसका रिएक्शन देंगे, उसके बाद सारी बातें ब्रीफ में करेंगे. सो वी गो 3, 2, 1, 3, 2, 1. मैं इस वक्त मेजर जैन का ब्लड और डीएनए प्रोफाइल स्टडी कर रही हूँ. सैंपल वन एक आम आदमी का ब्लड और डीएनए प्रोफाइल है और सैंपल टू मेजर जैन का. जब ओरिजिनल गाजी सोल्जर्स की टेस्टिंग हुई थी तो उनके ब्लड सैंपल्स में भी कुछ ऐसा ही दिखा था. आप प्रोजेक्ट गाजी से मुंसलिक थे और मैं आपसे उसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती थी. चंद ही लोग थे जो चुने गए थे प्रोजेक्ट के लिए. कर्नल सलाह सऊदीन है, बेस पर मौजूद तमाम सिपाहियों की जिंदगी खतरे में है, हम पर अटैक होने वाला है. साइंटिस्ट और सोल्जर्स को टारगेट कर रहे थे, उन लोगों को जो प्रोजेक्ट गाजी में शामिल. हर महाज के पीछे नहीं भागना मेजर, फौजी का काम जंग ढूंढना नहीं, अमन यकीनी बनाना. I can look into their souls and all I can see is anger and hatred. Sir, I'm used to being judged. और सही वक्त आने पे पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत. मिस्टर जैन, याद रख, तुम एक गाजी और गाजी कभी नहीं हारता. यकीन रखिए, ये सारा इफ्तिखार, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जैन की हिफाजत करता रहूंगा. I have the test results. They're boss. They're off the charts. Thank you. अच्छा ट्रेलर है. कुछ पॉइंट्स मैं रखना चाहूंगा जो मैंने ऑब्जर्व किए इस ट्रेलर में. फर्स्ट, सबसे पहले पहला पॉइंट, ये ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ अपन कहते हैं ना कि हम जब गेम खेलते हैं, सिंपल चाहे वो IGI हो, फिर उसके बाद सिंपल PUBG जो अभी बहुत चल रहा है, उसमें जैसे कि कैसे इक्विपमेंट्स रहते हैं, वेपन्स वैसे टाइप के वैसे इसमें पाए गए. सेकंड नंबर के इसमें ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा ट्रेलर में कि ट्रेलर है किस बारे में. आई थिंक यही एक बेस्ट चीज़ होती है किसी मूवी के बारे में कि अगर ट्रेलर से मूवी का प्लॉट पता चल जाता है तो बहुत ही बेकार हो जाता है. तो इन लोगों ने ये चीज़ तो बढ़िया की है कि ट्रेलर से ये पता नहीं लगने दिया कि व्हाट मूवी इज़ ऑल अबाउट. थर्ड नंबर, इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इस मूवी के लिए देखना चाहूँगा, मतलब क्या हैंड टू हैंड कॉम्बैट वैसे भी हमेशा मुझे पसंद आया, तो देखते कि इसमें कितने हद तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, क्योंकि मैंने 3-4 सीन देखे उसमें थे ये. चौथा नंबर ये है कि इसमें यार अलग अलग चीज़ है, कहीं आईजी डेजर्ट काइंड का थिंग है, कहीं एक सिंपल कैसे एक फैक्ट्री प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ समथिंग है. तो फिर मुझे देखना चाहूंगा कि ये है क्या एक्चुअली और प्रोजेक्ट गाजी का मतलब क्या. तो ये देखने के लिए मैं थोड़ा एक्साइटमेंट रह गया. इसमें मैं सिर्फ एक ही एक्टर को जानता हूँ, हुमायूं सैयद, जिसकी मैंने मैं हूँ शायद अफरीदी, फिर उसके बाद जवानी, फिर नहीं यानी, ये सारी मूवीज हमने देखी तो यार उसमें तो मुझे पसंद आए थे. इसमें देखते हैं कि प्रोजेक्ट गाजी में है क्या. तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे इन लोगों का नाम लिया तो आप ही लोग प्लीज़ हमें रेकमेंड करें कि ये मूवी का लिंक या ये मूवी मैं कहाँ से डाउनलोड करूँ तो इसे मैं देख सकता हूँ, कि प्लीज़ आप मुझे ये नोटिफाई करें. मूवी ट्रेलर ओवरऑल बेस्ट है कि इसमें मैं सबसे पहले अगर मैं ये मूवी देखूंगा ना तो मैं सबसे पहले दो चीज़ के लिए देखूंगा, एक स्क्रीन प्ले के लिए देखूंगा और एक डायरेक्शन के लिए देखूंगा, क्योंकि डायरेक्शन इसमें चैलेंजिंग लग रही है और डायरेक्शन अगर चैलेंजिंग है तो स्क्रीन प्ले का काम अपने आप ही चैलेंजिंग होगा. तो मैं इस चीज़ के लिए ये मूवी देखना चाहूंगा. तो प्लीज़ सिर्फ ये लोग ही नहीं, आप लोग भी अगर देख रहे हो हमें तो प्लीज़ आप हमें रेकमेंड करें कि भाई कहाँ से हम इस ट्रेलर, इस मूवी को, पूरी मूवी को देखें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं.
तब तक के लिए अगर आपको ये मूवी पसंद आए, सॉरी मूवी का ट्रेलर पसंद आया और उसके बाद हमारा रिएक्शन पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट उन चीजों पे कीजिए जिस पे आप चाहते हैं कि हम उस पे रिएक्शन दें। जैसा ये रिएक्शन दिया हमने लोगों के कहने पे, आगे भी रिएक्शन देते रहेंगे। आप कोई भी ट्रेलर हमें प्लीज रिकमेंड करें। थैंक यू।